हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। दोस्तों, आजकल जो स्मार्ट टीवीज़ अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, उनमें हमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हम इंटरनेट भी सर्व कर सकते हैं, उसमें वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, यूएसबी के ऑप्शन भी उसमें हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे स्मार्ट टीवीज़ में यूएसबी का पोर्ट होता है, क्या उस यूएसबी पोर्ट में हम एक हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। और दोस्तों, साथ ही आपको डेमो दिखाऊंगा एक टीवी के अंदर हार्ड ड्राइव कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी टाइप के वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आएंगे। दोस्तों, टीवी के साथ हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने के लिए आपको ऐसी हार्ड ड्राइव की ज़रूरत होगी जिसको एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत ना हो। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो भी आप परचेज करते हैं वो यूएसबी 2.0 और यूएसबी 3.0 के पोर्ट के साथ अवेलेबल हैं। और दोस्तों, इन हार्ड ड्राइव्स को आपको एक्सटर्नल पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये नॉर्मली आपके यूएसबी पोर्ट के साथ काम करती हैं। अब दोस्तों, हमारे टीवी के अंदर जो यूएसबी पोर्ट होते हैं वो 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर्स के होते हैं, और जो हमारी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हैं उनको भी 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर्स की ज़रूरत होती है रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए। तो ऐसे में दोस्तों, आप अपने टीवी के साथ अगर डायरेक्टली हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करते हैं तो वो नॉर्मल ऑपरेशंस आप उसमें कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को अपने टीवी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सोनी का टीवी है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है KDL32W700C। और इसके लेफ्ट साइड में दो यूएसबी पोर्ट्स हैं, और ये दोनों यूएसबी पोर्ट 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर्स की पावर आउटपुट देते हैं। और दोस्तों, ये मेरी हार्ड ड्राइव है जिसको मैं टीवी के साथ कनेक्ट करूंगा। ये 1 TB की माई पासपोर्ट अल्ट्रा हार्ड ड्राइव है, और ये इस हार्ड ड्राइव की कनेक्टिंग केबल्स हैं, ये यूएसबी 3.0 को सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले आप इस केबल को हार्ड ड्राइव से कनेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद इस केबल को टीवी के यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लीजिए। ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। एक बार कनेक्ट होने के बाद आपकी हार्ड ड्राइव में यहाँ पे एलईडी ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, इसी तरह से आपके टीवी के अंदर भी ये यूएसबी डिवाइस डिटेक्टेड का मैसेज आएगा, इस पर आप येस पे क्लिक कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी हार्ड ड्राइव के पार्टीशन ये शो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप मीडिया टाइप पे जाते हैं तो यहाँ पे आप फोटो, वीडियोस और म्यूजिक किसी भी फाइल्स को इस हार्ड ड्राइव में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फोटोज एक्सेस करके दिखाता हूँ अपनी इस हार्ड ड्राइव में। तो आप ये देख सकते हैं टीवी हार्ड ड्राइव से फोटोज को बहुत ही इजीली एक्सेस कर पा रहा है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो एक्सेस करके दिखाता हूँ इस हार्ड ड्राइव से। और दोस्तों, इसी तरह से हम ऑडियो सॉन्ग्स में जाके इसमें म्यूजिक को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।